हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉइन मास्टर फैमिली में। तो दोस्तों, मैं अलग जगह घूमने आया हूँ, मेरे पास कॉइन्स भी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो आपको कॉइन्स दिखाई दे रहा है, ये मुझे आमचलन से मिला है। मैं एक जगह घूमने आया हूँ, तो मेरे पास एक कॉपर निकल का जो कॉइन्स है दो, इसी कॉइन्स के बारे में आज आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। और आप लोगों के पास भी ये दोनों कॉइन्स हो सकता है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये दोस्तों 1998 वाला हैदराबाद मिंट का कॉइन्स, और दोस्तों ये है 2001 नोएडा मिंट का कॉइन्स। अगर दोस्तों आप लोगों का पास भी ये कॉइन्स है, तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ऐसा वाला कॉइन्स का मेटल होता है कॉपर निकल, ऐसा वाला कॉइन्स का वेट होता है 9 ग्राम, साइज 23 mm, शेप है सर्कुलर। ये दोस्तों कॉइन्स का ओवर साइड, ये देखिए, और उसका पिलर, और दोस्तों भारत और इंग्लिश में इंडिया, और सबसे नीचे सत्य में भी जीते। ये है दोस्तों रिवर्स है। तो दोस्तों, बात करेंगे 2001 वाला जो कॉइन्स है, इसी कॉइन्स के बारे में। तो दोस्तों, 2001 में इस कॉइन्स को भारत का चारों मिंट डाला गया था, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। तो दोस्तों, ऐसे वाला कॉइन्स का प्राइस की बात करें तो, जो चारों मिंट का कॉइन्स है दोस्तों 2001 का, ये चारों मिंट का कॉइन्स दोस्तों नॉर्मल कैटेगरी का कॉइन्स है, क्योंकि दोस्तों 2001 में इस कॉइन्स को चारों मिंट से करोड़ों मात्रा में छापा गया था, इसलिए चारों मिंट का कॉइन्स दोस्तों नॉर्मल है। तो ऐसे वाला कॉइन्स का प्राइस है 10 रुपया से 50 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 10 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपीज़। 2001 5 रुपी कॉइन्स का प्राइस है। तो बात करेंगे नेक्स्ट कॉइन्स की। तो दोस्तों, नेक्स्ट कॉइन्स है 1998 वाला, ये वाला कॉइन्स, ये देखिए, ये दोस्तों हैदराबाद मिंट का कॉइन्स है। ये अर्थ के नीचे में देखिए एक स्टार है, तो ये दोस्तों हैदराबाद मिंट का कॉइन्स है। तो दोस्तों, हैदराबाद मिंट से इस कॉइन्स को चारों मिंट से डाला गया था, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। तो ये जो कॉइन्स है चारों मिंट दोस्तों नॉर्मल कैटेगरी का कॉइन्स है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। तो ऐसा वाला कॉइन्स आप लोगों का पास है, तो ऐसा वाला कॉइन्स का प्राइस होता है 10 रुपया से 50 रुपया तक, फाइन कंडीशन में 10 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 50 रुपीज़ चारों मिंट कॉइन्स का प्राइस। क्योंकि दोस्तों 1998 में चारों मिंट से इस कॉइन्स को करोड़ों मात्रा में छापा गया था, इसलिए दोस्तों चारों मिंट का कॉइन्स नॉर्मल है। तो दोस्तों, 2001 नोएडा मिंट, 1998 हैदराबाद मिंट, दोनों कॉइन्स दोस्तों नॉर्मल है। तो दोस्तों, और एक कॉइन्स आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यही है वो कॉइन्स। तो दोस्तों, ये जो कॉइन्स आपको दिखाई दे रहा है, एक कॉइन्स दोस्तों मुझे कल आमचलन से मिला है, एक कॉइन्स दिया है एक रिक्शे वाले ने, एक कॉइन्स दिया है एक दुकानदार ने, लेकिन दोस्तों दोनों कॉइन्स निखिल ब्रश का 5 रुपये का कॉइन्स है। तो दोस्तों, ये देखिए। तो दोस्तों, इन दोनों सिक्कों में आप गौर से चेक कीजिए क्या चीज़ सेम है। तो दोस्तों, इस दोनों में सेम है, इस कॉइन्स का ईयर्स, इस कॉइन्स का मिंट। तो दोस्तों, दोनों कॉइन्स 2013 का है और दोनों कॉइन्स दोस्तों कलकत्ता मिंट का है। ये दोनों कॉइन्स दोस्तों मुझे कल आमचलन से मिला है, एक दिया रिक्शा वाला ने और एक दिया है दुकानदार ने। तो दोस्तों, ये कॉइन्स मेरे लिए लाकी कॉइन्स है, क्योंकि दोस्तों ऐसा वाला कॉइन्स एक दिन में और एक ही टाइम में काफ़ी मुश्किल से मिलता है, वो भी दोस्तों सेम ईयर्स सेम मिंट। ये देखिए, दोनों दोस्तों सेम ईयर्स का है और सेम मिंट का है, कलकत्ता मिंट का। तो दोस्तों, ये जो कॉइन्स है दोनों, ये कॉइन्स मेरे कलेक्शन में, मैं इन दोनों कॉइन्स को काफ़ी अच्छी तरह से संभाल के रखूँगा। तो दोस्तों, ऐसा वाला जो कॉइन्स है काफ़ी लाख से मिलता है, ऐसा वाला कॉइन्स, वो भी दोस्तों एक दिन में और आम चलन से सेम कॉइन्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये कॉइन्स मेरे लिए लाकी कॉइन्स है। तो दोस्तों, वीडियो में थोड़ा सा भी जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं नोट 10 कॉइन्स के बारे में आप लोगों को सही और सच्ची जानकारी देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।